What's up guys, I'm Rohit Kurana and welcome to Cookbook by Rohit. मलाई चिकन बना रहा हूँ and believe me, अगर आप ये रेसिपी एक बार अपने घर पे बनाओगे तो बार बार बनाने वाले हो। इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है और इन्ग्रीडियंट्स भी इसके बहुत ही बेसिक है। साथ ही में लास्ट में इसे तंदूरी रोटियों के साथ खाएंगे और मज़ा ही आ जाएगा। मलाई चिकन कैसे बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक हांडी लेंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 2 बड़ी इलायची और 2 हरी इलायची डाली है। उसके बाद ऐड करेंगे 1 kg फुल चिकन, 1/2 कप स्टर कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे नमक। दोस्तों नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें और तब तक भून लेंगे जब तक चिकन वाइट नहीं हो जाता। जैसे ही चिकन वाइट हो उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक चॉप करके। दोस्तों इस रेसिपी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चिकन पर रंग ना आए। हल्का सा धनिया पाउडर डाल रहा हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अदरक और धनिया मिलके ही इस मलाई चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर डालेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 2 कप दूध और दूध डालने के बाद चिकन को चलाते रहना है और ध्यान रहे चिकन को टूटने नहीं देना। जैसे ही एक बॉयल आ जाए उसके बाद ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बादाम का पेस्ट। और एक बार स्टर कर लेंगे। अब गैस का फ्लो कर देंगे हम एकदम लो और ढक्कन लगा के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और अच्छे से स्टर कर लेंगे। दोस्तों बहुत सॉफ्टली स्टर करना है ताकि चिकन टूटे ना। अब डालेंगे एकदम ताजी कुटी हुई काली मिर्च, हल्का सा इलायची पाउडर और कसूरी मेथी अच्छे से रगड़ के। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इस रेसिपी से मलाई चिकन बनाओ तो चिकन की ग्रेवी को बहुत ज्यादा थिक मत करना, क्योंकि वो जैसे ही थोड़ा ठंडा होगी वो ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगी। तो लीजिए तैयार है हमारा मलाई चिकन उर्फ क्रीम चिकन। अगर आप पंजाब साइड जाओगे तो वहाँ पर कुछ जगहों पर इसको क्रीम चिकन भी बोला जाता है। चलिए सर्व कर लेते हैं। मलाई चिकन इतना डिलीशियस बना और मज़ा ही आ गया इसे तंदूरी रोटियों के साथ खाने में। एक बार ये रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको एंड आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।